हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से तोशिन टेक चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियलमी के सभी स्मार्टफोन के लिए एक अमेजिंग ट्रिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास रियलमी 2 है और मैं आपको नोटिफिकेशन पैनल कर डाउन करके बता देता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरे फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल में व्हाट्सएप और क्रोम डायरेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं और कैसे मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। देख सकते हैं मैं अगर व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहीं से जो है व्हाट्सएप को ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र भी यहां पर सेट किया हुआ है और यहीं से जो है मैं क्रोम ब्राउजर को भी एक्सेस कर सकता हूं। तो दोस्तों ये मैंने कैसे किया है और आप भी अपने किसी भी रियलमी के डिवाइस में एक अमेजिंग ट्रिक की मदद से इसको कर सकते हैं और आप भी डायरेक्ट नोटिफिकेशन पैनल से किसी भी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पैनल में किसी भी ऐप को ऐड करने के लिए, किसी भी ऐप को नोटिफिकेशन से यूज करने के लिए सिंपली से आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाकर के आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बहुत ही छोटी ऐप है, कुछ 2 से 2.5 MB की ऐप है, आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको सबसे पहले इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां से आपको यस आई एग्री पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं यहां पर तरह का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप कुछ 6 ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऐप यहां पर आप सेलेक्ट करते हैं वो सारी ऐप्स आप नोटिफिकेशन पैनल में सेट कर सकते हैं और डायरेक्ट वहीं से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं ऐप 1 में मैं कोई भी एक ऐप सेलेक्ट कर लेता हूं, जो भी ऐप्स आपके डिवाइस में होंगी वो सारी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहां से क्रोम सेलेक्ट कर लेता हूं। सेकंड वाली ऐप में यहां पर मैं कोई भी एक ऐप सेलेक्ट कर लेता हूं, देख सकते हैं मैं यहां पर फ्लिपकार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इस तरह से जो है मैं यहां पर कोई भी ऐप जो है सेलेक्ट कर लेता हूं। आप चाहें तो 6 ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 1 या 2 जितने भी आप चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली से आ जाना है होम पर और होम स्क्रीन पर आने के बाद में आपको नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करना है। डाउन करने के बाद में अभी देख सकते हैं यहां पर जो ऐप का आइकन है वो देखने को नहीं मिला है। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग के पास में एक नोटिफिकेशन टॉगल्स को ओपन करना है। जितने भी नोटिफिकेशन टॉगल्स आपके फोन में होंगे वो सारे यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहां पर देख सकते हैं जो सी है वो क्रोम के लिए है, एफ है फ्लिपकार्ट के लिए। इस तरह से जो फर्स्ट डिजिट होगा ऐप का वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं क्रोम का जो आइकन है वो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहां पर ऊपर लाकर सेट कर देता हूं। इसी तरह से दोस्तों मैं यहां पर फ्लिपकार्ट और व्हाट्सएप का भी जो आइकन है वो यहां पर लाकर सेट कर देता हूं। तो ये सेट करने के बाद में आप देख सकते हैं मैं यहां पर व्हाट्सएप का है आइकन उसको भी यहां पर लाकर सेट कर देता हूं। तो देख सकते हैं तीनों ही जो ऐप्स है वो मैंने, तीनों ही ऐप के जो आइकन है मैंने यहां पर लाकर सेट कर दिए हैं। उसके बाद में आपको सिंपली से यहां पर डन कर देना है। डन करने के बाद में आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन पैनल आप डाउन करेंगे तो ये तीनों आइकन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे और डायरेक्ट इसको एक सिंगल क्लिक में यहां से आप ओपन कर पाएंगे। आपको ऐप्स में से ऐप को सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से किसी भी ऐप को ओपन कर पाएंगे। देख सकते हैं जो फ्लिपकार्ट है वो ओपन हो चुका है। अब मैं आपको यहां से देख सकते हैं व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूं। सिर्फ एक सिंगल क्लिक में आप व्हाट्सएप और जो भी ऐप यहां पर ऐड करते हैं वो आप यहीं से यूज कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। We'll be right back.